हाँ तो भाई लोग कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे और एक नए गाने का वेट कर रहे होंगे जिसका नाम है वफा नर्रासा। जो गाना होने वाला है जुबिन नौटियाल का, और ये गाना फाइनली आज रिलीज हो गया है जिसका टीजर कल या परसों रिलीज हुआ था। और तब से ही गाने ने मतलब बेकरारी बढ़ा दी थी, ऑडियंस यार इस गाने का वेट करने लगी थी, सच में करने लगी थी, क्योंकि टीजर में जो गवाह सुनने को मिली थी ना वो कातिल थी। तो यार इसी गाने के करने वाले रिएक्शन और देखने वाले गाने कितना अच्छा लगा, कितना पसंद आया और कितना मजा आया सुन के। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, वीडियो को पूरा देखना। और ये रहा आपका इंट्रो। तो थोड़ा अगर बात करें गाने की थोड़ी बेसिक बातों के बारे में, तो जो सिंगर है उनका नाम है जुबिन नौटियाल, बाकी जो लिरिक्स लिखा है जिन्होंने उनका नाम है रश्मि बराग। जो देखने को मिलने वाले गाने में वो है हिमांश कोहली और आरुषि निशांक, कुछ ऐसी नाम था। बाकी इससे अलग जो उन्होंने म्यूजिक दिया उनका नाम है मीट ब्रोस। तो ये तो हो गई यार गाने की बेसिक बातें। अब आते हैं गाने पे कि यार गाना कितना अच्छा रहा, गाने के लिरिक्स कितने अच्छे हैं और पहले इतना दमदार है या नहीं है। क्योंकि जो पहले वाला गाना है वो यार अपने टाइम का एक बेस्ट सॉन्ग है, और इसको उतना बेस्ट बना पाए हैं लोग या नहीं बना पाए हैं। तो यार देखो पहली बात, इस जनरेशन के ऑडियंस को ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, सच में अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आवाज में कातिल है भाई। खासतौर पर ऐसे सॉन्ग में ना आवाज वैसे भी उनकी यार ब्लॉकबस्टर बन जाती है, और उस आवाज को सुनकर कोई भी बंदा फैन हो जाएगा उनका। और सच में इसमें ऐसे ही आवाज है उनकी, और इस टाइप के गाने में उनकी आवाज यार वैसे भी कातिल लगती है। देखो यार लास्ट सॉन्ग में जाकर आप देख लो, चाहे लुट गए या उससे पहले एक दो सॉन्ग आए थे, उसमें जितने भी हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग थे ना उसमें उनकी आवाज वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। और वही काम यहाँ हुआ है। ऊपर से लिरिक्स यार बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं पहले वाले गाने से क्यों कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आज, सच में नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो अपने टाइम का बेस्ट था और ये मुझे आज के हिसाब से अच्छा लगा। अगर मैं फिर से कंपेयर करने बैठूं तो मैं उसको बेस्ट बोलूंगा और जो आपको पसंद नहीं आएगा, तो इसी वजह से उसको कंपेयर कर ही न रहे। और आज बस इसी गाने का रिएक्शन करने वाले हैं, तो यार उस हिसाब से गाना मतलब बेस्ट है और अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, जो आपको पसंद आने वाला है। मतलब यार लिरिक्स वाइज यार गाना काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कर ले म्यूजिक के बारे में, तो गाने का जो म्यूजिक है मीट ब्रोस ने दिया है और उनके काम भी इस गाने में अच्छा है। देखो यार ये सॉन्ग यार चाहे पुराने वाले की वैल्यू बढ़ाए या न बढ़ाए, पर उसकी वैल्यू कम नहीं करता है, इतना तो बोलना चाहूंगा। क्योंकि यार गाने का म्यूजिक हो, चाहे गाने का लिरिक्स हो, या फिर गाने में आवाज हो जुबिन नौटियाल की, तीनों चीजें यार बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और जब ये तीनों चीजें हमें सुनने को मिल जाए एक ही गाने में और देखने को मिल जाए, तो फिर क्या चाहिए। उसके बाद यार बात आती है वीडियो की, तो यार टी सीरीज पर आता है वीडियो क्वालिटी तो वैसे ही बेटर होगी, और इस टाइम का है तो भाई बेटर से ही बेटर होगी, तो यार वो तो देखने में मिलती है। तो यार फाइनल बात करें गाने के बारे में, तो गाने के लिरिक्स हो, चाहे गाने का म्यूजिक हो, या फिर जुबिन नौटियाल की आवाज हो, सब चीज कातिल है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। गाने एक बार फिर से तबाही मचाने वाला है, और गाने को व्यूज की कतार लगने वाली है, सच में लगने वाली है। देख लेना कुछ टाइम में रिकॉर्ड कुछ बनाएगा, और बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इसका टीजर ही मुझे अच्छा लगा था तो गाना तो पसंद आना ही था, क्योंकि यार देखो मेन दिक्कत ना मुझे यार सैड सॉन्ग ज्यादा पसंद आते हैं, और यही रीजन है कि यार मैं जाने और बीप्रैक के जो गाने आते हैं वो सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, और उसी टाइप का गाना ये भी है, और इसी वजह से पसंद आया। तो आप लोग का क्या ओपिनियन है इस गाने पे जाकर कमेंट में बता सकते हो, आपको गाना कितना अच्छा लगा, आपने गाने को कितनी बार सुना और आपने गाने से कितने एंजॉय किया, जाकर कमेंट में बता सकते हो। और आपके जुबिन नौटियाल आपके फेवरेट सिंगर है या नहीं है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ बोल रहा हूँ जाकर कमेंट बताओ, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में।